नमस्कार दोस्तों, द मिस्टिका लैंड पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं हाजिर हूँ भारत की एक ऐसे सोने की खान की कहानी लेकर जो एक समय में देश में सबसे ज्यादा सोना हमें देती थी, लेकिन शासकों की उपेक्षा के कारण आज ये जगह वीरान पड़ी है। एक समय था जब यहाँ लगभग 10,000 लोग काम किया करते थे, लेकिन आज यहाँ काम करने वाले लोग अपने हक के लिए सालों से दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। इस सोने की खान से कभी इतना सोना निकलता था कि हमारे देश को गोल्ड का इंपोर्ट करने की जरूरत ना के बराबर थी, लेकिन जब से ये गोल्ड माइंस बंद हुई तब से लगातार हमारे देश पर सोना इंपोर्ट करने का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, अब तक तो आप ये समझ ही गए होंगे कि मैं भारत की किस सोने की खान की बात कर रहा हूँ। अगर नहीं समझे तो बता दूं, आज बात कर रहा हूँ KGF यानी कोलार गोल्ड फील्ड के बारे में, जो एक समय मशहूर थी यहाँ मौजूद सोने की खान की वजह से, लेकिन बाद में कई कारणों की वजह से ये खाने बंद हो गई। ये बंद क्यों हुई और कैसे हुई, ये जानने से पहले जरूरी है ये जानना कि कोलार गोल्ड फील्ड का सुनहरा इतिहास कैसा था। कर्नाटक के बेंगलुरु से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित कोलार गोल्ड फील्ड यानी KGF भारत की सबसे पुरानी सोने की खान है। यहाँ सबसे पहले पहली सेंचुरी में गोल्ड के लिए खुदाई शुरू हुई थी। कई सदियों तक KGF साउथ इंडियन शासकों की मेन इनकम का सोर्स हुआ करती थी। KGF दुनिया की कुछ सबसे गहरी सोने की खदानों में से एक है। 1980 और 90 के दशकों में धरती की सतह से 3 किलोमीटर नीचे तक खुदाई की गई थी। आपको बता दें कि केवल साउथ अफ्रीका के कुछ खदानें ही इससे ज्यादा गहरी हैं। अंग्रेजों के शासन काल में ब्रिटिश लोगों ने कोलार गोल्ड फील्ड को लिटिल इंग्लैंड का नाम दिया था, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट ब्रिटेन की तरह ही है। 1880 में एक इंजीनियरिंग कंपनी को यहाँ से सोना निकालने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। ये एक तरह से ब्रिटिश सरकार की आखिरी कोशिश थी, क्योंकि इससे पहले कई कंपनियां यहाँ से सोना निकालने में असफल साबित हुई थी। जॉन टेलर एंड सन्स इंजीनियरिंग कंपनी को यहाँ सोना मिल गया और सोना मिलने के साथ ही कोलार के दिल बदलना शुरू हो गए। सन 1902 में इस शहर में बिजली आ गई थी और तब ये इस सुविधा को पाने वाले सबसे पहले एशियाई शहरों में से एक था। भारत की आजादी के बाद 1956 में KGF का राष्ट्रीयकरण हो गया। 1970 में BGML यानी भारतीय गोल्ड माइंस लिमिटेड ने इन खदानों का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया, लेकिन शुरुआत में सफलता पाने के बाद भारी भरकम स्टाफ सहित कई कारणों के चलते कंपनी का फायदा दिनों दिन घटता गया और 1989 आते आते स्थिति ये हो गई कि कंपनी कर्जदार हो गई। छटनी के जरिए स्टाफ की संख्या 8,800 से 3,500 कर दी गई, लेकिन स्टाफों की छटनी के बावजूद BGML की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया और 2001 में सरकार ने BGML को पूर्ण रूप से बंद कर दिया। कर्मचारियों के कोलार छोड़ने के बाद करीब 13,000 एकड़ में फैला कोलार गोल्ड फील्ड किसी बूथा कस्बे जैसा हो गया है। लेकिन दोस्तों, अभी भी कई एजेंसीज का ये मानना है कि KGF में अभी भी काफी सोना मौजूद है, इसीलिए वर्तमान केंद्र सरकार ने 2017 में BGML को फिर से स्टार्ट करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार ने टेंडर भी ओपन कर दिया है। इन खदानों के खुलने से देश में लगातार बढ़ रही सोने की मांग का कुछ हिस्सा इससे पूरा हो सकता है। इससे देश की जेब पर पड़ रहा बोझ भी कुछ कम होगा। आपको बता दें कि चीन के बाद भारत में सोने की खपत सबसे ज्यादा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1905 में भारत सोने के उत्पादन के मामले में दुनिया में 6वीं पोजीशन पर था। तब ये सालाना औसतन 20 टन सोने का उत्पादन करता था। 2007 तक आते आते ये आंकड़ा केवल 2.5 टन रह गया है। आज भारत की विश्व में गोल्ड उत्पादन में कोई भी पोजीशन नहीं है। इसलिए हो सकता है कि KGF के खुलने के साथ ही ये स्थिति भी बदल जाए और हमारा देश फिर से गोल्ड के उत्पादन के मामले में एक सम्मानजनक स्थिति हासिल कर ले। तो दोस्तों, ये थी KGF की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी और भी जानकारियाँ आपको मिलती रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।